हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल आज के इस वीडियो में मोस्ट ट्रेंडिंग कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे डोरी वाली कुर्ती जो कि हमारी स्लीव्स में होगी तो इसके लिए हमने ये टू मीटर फैब्रिक लिया है ये हमारी जॉर्जेट की फैब्रिक है और इसके लिए हमने ये लाइनिंग लिया है लाइनिंग में हमने टू मीटर लिया है तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो पहले हमने कुर्ती कटिंग लाइनिंग में करनी होगी तो देखिए इस तरह से पहले हम लाइनिंग में इसकी कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को हम अच्छे से खोल के इसे डबल फोल्ड में रख लेंगे तो देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है ये मेरा डबल फोल्ड में फैब्रिक है और इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इसकी वर्थ ट्वेंटी फाइव इंच में हमने रखा है और इसकी लेंथ हम लेंगे तो इसकी लेंथ हमने फोर्टी टू इंच लिया है आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा लेंथ ले सकते हैं कुर्ती की लेंथ तो अब हमने इसे ये हमारी डबल फोल्ड में है तो अब हम इसे फोर फोल्ड करनी है तो देखिए इस तरह से हमने ये फोर फोल्ड में कर लिया है ये हमारी फोर फोल्ड में है फैब्रिक और अब हम इसकी जो साइड में फैब्रिक एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और अब हम इसकी मार्किंग करेंगे तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे इसकी फ़ोल्डेड साइड की ओर से तो यहाँ से हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है तो मैंने शोल्डर सेवन इंच पे रखा है और यहाँ से हमने आम होल की मार्किंग करेंगे तो आम होल भी हमने सेवन इंच पे रखा है और इस तरह से दोनों ही लाइन को मैं ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे देखिए इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है और यहाँ से भी हमने लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लेनी है तो इस तरह से हमने लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लिया है और यहाँ से शोल्डर से हमने यहाँ पे फोर्टीन इंच पे मार्क करनी है यानी कि चौदह इंच पे मार्क करेंगे कमर के लिए तो इस तरह से मार्क कर देंगे और फिर यहाँ सोल्डर से यहाँ पे हमने मार्किंग करनी है ट्वेंटी वन इंच पे यानि कि इक्कीस इंच पे ये हमारी हिप की मार्किंग है तो इस तरह से मार्क कर लेंगे और दोनों ही लाइन को हमने ऐसे स्ट्रेट कर लेनी है तो देखिए इस तरह से दोनों ही लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे तो लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया है अब हमने वॉश की मार्किंग करेंगे तो जितनी भी हमारी वॉश है उसकी हम फोर पार्ट करने लगे ये करनी होगी तो हमारी वॉश फोर्टीन इंच है तो इसकी फोर पार्ट टेन इंच प्लस टू इंच यहाँ पर हमने मार्जिन ऐड किया है और अपनी कमर की मार्किंग करेंगे तो हमारी कमर छत्तीस इंच है तो इसकी फोर पार्ट तेन इंच प्लस टू इंच हमने यहाँ मार्जिन ऐड किया है अपने हिप की मार्किंग करेंगे तो हिप हमारी फोर्टी टू इंच है तो इसकी फोर पॉइंट टेन प्लस फाइव इंच प्लस टू इंच हमने मार्जिन ऐड किया है तो इस तरह से हमने मार्क कर लेनी है और इस तरह से तीनों ही लाइन को हमें ज्वाइन कर लेंगे यहाँ मार्जिन वाली लाइन को भी हमने इसे ज्वाइन कर लेनी है तो देखिए इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली अब हम यहाँ पे अपनी आमूल मार्किंग करेंगे तो यहाँ से हमने आमूल पे सेप देनी है सवा इंच के लगभग बैक आर्म होल की और यहाँ से हमने हाफ इंच अंदर की ओर फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे तो ये हमारी फ्रंट आर्म होल की मार्किंग है तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है कुर्ती की लाइनिंग पे और इसमें से अब हम बैक पार्ट को निकालेंगे तो इस तरह से हमने फैब्रिक को इस तरह से हमें खोल कर इसमें से बैक पार्ट को अलग कर लेनी है तो देखिए इस तरह से हमने बैक पार्ट को अलग कर लिया फ्रंट पार्ट को लिया है हमने और इसकी नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक हमने यहाँ पे थ्री इंच पे रखा है तो थ्री इंच पे हमने ये सब मार्क करनी है और यहाँ से हमने नेक डीप फोर इंच मार्क करेंगे तो नेक डीप हमने फोर इंच पे मार्क किया है और इस तरह से लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेनी है और यहाँ भी लाइन को स्ट्रेट करके नेक में ऐसे सेव दे देंगे और यहाँ से हमने लगभग टू इंच पे यहाँ से भी सेप भी सेफ देनी है तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा लगभग टू इंच पे भी सेब दिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे नेक की तो देखिए इस तरह से हमने ये नेक की कटिंग कर लिया है और अपने फ्रंट अमूल के जो हाफ इंच हमने अंदर से मार्क किया था उसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है तो इस तरह से फ्रंट नेक की हमारी कटिंग हो गई है तो इसे हमने ओपन करते हैं तो देखिए इस तरह से हमारी ये नेक का सेफ रहेगी तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की नेक की हमारी कटिंग हो गई है हम बैक नेक की भी कटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं थ्री इंच पे मार्क करूँगी और इसकी डीप हमने सिक्स इंच पे मार्क करनी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कम या ज़्यादा तो यहाँ से लाइन को हमने ऐसे यहाँ पे हमने तीन इंच मार्क करके लाइन को हमने ऐसे स्ट्रेट कर लेनी है इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और हमने ऐसे नेक में सेव दे, दे देनी है तो इस तरह से, से दे 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 हमने सेव दे देंगे और हम इसे कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है तो इस तरह से हमारी नेक की भी कटिंग हो गई है हम अपनी मैन फैब्रिक को लेंगे और जो भी हमने लाइनिंग की कटिंग किया है मैन फैब्रिक में इसे अच्छे से रख कर इस पर रख कर हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से मैन फैब्रिक को अच्छे से खोल कर इसको जो हमने लाइनिंग के सूट कुर्ती कटिंग किया है उसको हम इस पर रख के इसकी कटिंग कर लेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग हमने कटिंग कर लिया है लाइनिंग के अकॉर्डिंग मैन फैब्रिक को तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो पहले हमने इसकी नेक की स्टिचिंग करेंगे तो पहले हमने इस तरह से आलपिन से यहाँ अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि नेक की स्टिचिंग करते टाइम हमारा कपड़ा इधर उधर ना खिसके तो इस तरह से हमने ये अच्छे से सेट कर लिया है और यहाँ से देखिए अब हमने ये डोरी लेनी है यहाँ से हमने ऐसे स्टिच लगानी है तो स्टिच हम डोरी में ही लगा लेंगे स्टिच को मैं नेक के टाइम ही लगा लूँगी तो इस तरह से हमने ये डोरी लिया है फैब्रिक से हमने बनाया है आप रेडीमेड भी डोरी ले सकते हैं अपने पसंद से तो इस तरह से हमने यहाँ लाइनिंग और मैन फैब्रिक के बीच में इसे रखेंगे डोरी को और इस साइड भी हमने ऐसे डोरी को नेक के पास में रखनी है जहाँ हमने भी सेप की नेक के कट किया है तो दोनों ही डोरी को हम ऐसे रख के नेक के साथ में ही इसकी स्टिचिंग कर लेंगे तो इस तरह से हमने अच्छे से इसमें सेट करके इसमें यहाँ पे हमने ऐसे पिन से इसे सेफ इसमें अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि स्टिचिंग हमारी आराम से हो जाएगी और इस तरह से साइड में इसकी हमने स्टिचिंग कर लेनी है तो चलिए अब इसमें स्टिच लगाते हैं तो देखिए इस तरह से हमने किनारे पर स्टिच लगानी है तो इस तरह से जैसे हमारी नेक की सेफ है हम वैसे इसमें स्टिच लगा लेंगे तो देखिए इस तरह से हमने पूरे नेक में ऐसे हमने स्टिच लगा लिया है इस तरह से हमारी स्टिचिंग हो गई है तो जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे तो देखिए इस तरह से हमने हमारे नेक में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक थी तो उसकी हमने कटिंग कर लिया है और इसमें हमने पूरे नेक में हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेनी है और इसको हमने लाइनिंग आप पलट लेनी है देखिए इस तरह से हमने लाइनिंग को ऐसे अच्छे से पलट लेंगे तो लाइनिंग को हमने ऐसे रोंग साइड की ओर ऐसे पलट लिया है देखिए इस तरह से हमारी ये डोरी बाहर भी आ गई है और इसमें हमने एक टोपर स्टिच लगाएंगे तो हमने अच्छे से प्रेस करके इसमें अपने टोपर स्टिच लगा लेनी है तो इस तरह से हमने किनारे पे स्टिच लगानी है इस तरह से टोपर स्टिच लगाने से हमारी नेक अच्छे से सेट हो जाएगी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तो आपको मिल सके तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेंगे तो हमने इस तरह से पूरे नेक में स्टिच लगा लिया है और इस तरह से हमारी ये नेक रेडी हो गई है और इस तरह से हमारी ये डोरी देखिए इस तरह से हमने डोरी को नेक के साथ में ही जैसे इसे लगा लिया है और इस तरह से ये हमारी नेक की डिज़ाइन होगी कुछ इस तरह से तो हमने नेक बना लिया और बैक नेक को भी हमने ऐसे ही लाइनिंग के साथ में इसे रेडी कर लिया है और दोनों ही पार्ट को हमने रख कर इसको हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लेनी है तो अब हम पहले स्लिप्स की कटिंग कर लेते हैं तो इस तरह से स्लिप्स के लिए हमने दो फैब्रिक लिया है और इसे हमने डबल फोल्ड में रखा है तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रख लेनी है और अपने यहाँ पे हमने स्लिप्स की लेंथ एट इंच पे रखा है और इस तरह से जो स्लिप्स की विर्थ है वो हमने नाइन इंच पे रखा है तो इस तरह से नाइन इंच पे हमने स्लिप्स की विर्थ रखा है और इस तरह से हमारी ये ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो कि हमारे इसमें प्लेट्स लगाएंगे तो देखिए इस तरह से हमने अभी फ़ैब्रिक को ऐसे खोलना है और इस तरह से एक स्लिप्स को लेंगे एक स्लिप को हमने ऐसे लेकर इसमें प्लेस्ट लगाना है तो इस तरह से हमने इसमें प्लेस्ट लगा लेंगे अगर आपको इससे और भी ज़्यादा प्लेस्ट लगानी है तो आप फैब्रिक को और ज़्यादा लेंगे तो मेरे पास जितना फैब्रिक था मैंने उस हिसाब से इसमें प्लेस्ट लगा रहा लगाया है तो इस तरह से हमने फैब्रिक तो में जैसे प्लेट्स लगा लेंगे तो हमने फैब्रिक को ऐसे फैब्रिक में ऐसे हमने प्लेट्स लगा लिया है अपने फैब्रिक अकॉर्डिंग और इस साइड भी हमने अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स को लगाना है यानी कि इस साइड में हमने जैसे प्लेट्स लगाया था तो और इस तरह से हमने इस साइड में इस साइड से प्लेट्स को लगानी है तो इस तरह से इसमें हमने अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स को लगाएंगे इस तरह से तो इस पर भी हमने अच्छे से पहले पिन से हम इसको प्लेट्स लगा लेते हैं इस तरह से हमने पहले यहाँ पे आलपिन से इसमें अच्छे सेट कर लेते हैं फिर इसमें हमने स्टिच लगा लेनी है तो इस तरह से एक साइड से हम इस साइड से प्लेट्स डालेंगे और दूसरे साइड से इस तरह से अपोजिट साइड की ओर से हमने प्लेट्स इसमें बनानी है तो देखिए इस तरह से हमने सारे प्लेट्स को डाल लेनी है और आपको और भी प्लेट्स लगानी है तो आप फैब्रिक और भी इसकी लेंथ बढ़ा कर लेनी होगी तो देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स बना लिया है अब हम इसे फोल्ड करके इसकी स्लिप्स सि, में कटिंग कर लेंगे तो इस तरह देखिए ये हमारी नौ इंच पे हमारी ये स्लिप्स है और इस तरह से स्लिप्स की राउंड की फिटिंग हमारी छः इंच है और डेढ़ इंच हमने यहाँ पर मार्जिन लिया है और इस तरह से यहाँ स्लिप्स के लिए हमने सेब दे देंगे और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग करके दोनों स्लिप्स को ऐसे हमने रेडी कर लिया है इस तरह से हमने कटिंग कर लेंगे और दोनों स्लिप्स को हमने ऐसे ही रेडी कर लेंगे तो देखिए इस तरह से हमने एक पट्टी लेनी है तीन इंच की और इस पर हमने रखनी है साइड में और यहाँ हमने फैब्रिक से बनी डोरी लिया है आप रेडीमेड डोरी भी ले सकते हैं तो इस तरह से हमने डोरी को ऐसे बीच में रखेंगे सेंटर पे और ये हमने एक स्टिच लगा लेनी है तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है और इस तरह से फैब्रिक को ऐसे हमने फोल्ड करनी है तो इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड करके इसमें एक स्टिच लगा लेनी है तो इस तरह से इसमें भी हमने एक स्टिच लगा लेनी है जिस तरह से इसमें हमने स्टिच लगाएंगे तो देखिए इस तरह से हमारी ये स्लिप्स रेडी हो गया है दोनों ही स्लिप को हमने ऐसे ही रेडी कर लिया है इस तरह से हमारी दोनों स्लिप्स रेडी हो गई है अब हमने अपनी कुर्ती को लेंगे और हमने शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है इसे खोल लेंगे ऐसे ओपन करके हमने अपने स्लिप्स इस को इसमें ज्वाइंट करनी है तो इस तरह से हमने इसमें स्लिप्स को कुर्ती के साथ इसे हम जॉइंट कर लेंगे तो देखिए इस तरह से हमने कुर्ती को इसमें जॉइन करनी है स्लिप्स को और ये साइड भी हमने ऐसे स्लिप्स को जॉइन कर लेंगे इसमें तो हमने स्टिच लगा लेनी है तो देखिए इस तरह से हमने स्लिप्स को अटैच कर लिया है और अब हमने इसे रॉन्ग साइड में रखा है जो हमने दो इंच का मार्जिन छोड़ा था तो हमने स्टिच लगानी है तो इस तरह से स्टिच लगाएंगे यहाँ तक हमने यहाँ मार्जिन छोड़ा था और यहाँ से हमारी कट रहेगी तो यहाँ से हमने इससे स्लिट लगा बना लेनी है इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो स्टिच लगाने के बाद हम ये साइड में फ़ोल्ड भी कर लेंगे देखिए इस तरह से हमने मार्जिन पे ऐसे स्टिच लगानी है और यहाँ भी हमने साइड में ऐसे फोल्ड कर लेनी है और जो हमने बॉटम में टू इंच मार्जिन छोड़ा था उसे भी हमने फोल्ड कर लेंगे और कुछ इस तरह से हमारी ये कुर्ती की लुक आएगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू